Welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and I am in Indore. This is another part of Indore food series. और आज हम हैं 56 दुकान पे. ये एक street है जहाँ पे 56 food stalls हैं, food joints हैं. और यहाँ आपको मिल जाता है ढेर सारा delicious street food. I have heard a lot about this place. Actually ये जो landmark है 56 दुकान, ये सिर्फ इंदौर में ही नहीं India में ही popular है. So हम लोग आज explore करने वाले हैं ये street and we are going to eat lots of delicious food. So make sure that you watch this video till the end to see all the delicious stuff. Let's start. The first place that we are going to is Vijay Chaat House. इंदौर की जो चाट है ना वो बहुत फेमस है. क्या बोलते हैं, चटोरे, इंदौर चटोरे. तो हम लोग हमारा दिन स्टार्ट करने वाले हैं विद सम चाट. विजय चाट हाउस इज अ लेजेंडरी आउटलेट इन दिस लेजेंडरी लेन. लेट्स गो एंड हैव सम फूड. लेट्स गो. मैंने फिर से लेट्स गो क्यों बोला. पहली प्लेस हम आ गए हैं वो है विजय चाट हाउस. दिस प्लेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 और ये प्लेस काफ़ी पॉपुलर है फॉर इट्स चाट आइटम्स. बट वन डिश जो आपको सिर्फ यहीं पे मिलती है, इट वॉज एक्चुअली ओरिजिनेटेड हियर एंड इट्स क्वाइट पॉपुलर फॉर इट्स खोपरा पैटिस. लुक एट दिस, दिस इज खोपरा पैटिस. खोपरा मीन्स कोकोनट. तो ये एक सिंपल आलू पैटी है विच इज़ स्टव विथ खोपरा विच इज़ ड्राई कोकोनट एंड इवन फ्रेश कोकोनट. उसके ही साथ आपको दो चटनी मिल जाती हैं. So let's break this first. काफ़ी crispy है ये. ये देखिए इसके अंदर है dry coconut, थोड़ा सा I think fresh coconut भी which is grated. ये बाहर आप देखेंगे एकदम simple आलू patty and some spices. मैं इसे imagine नहीं कर पा रही हूँ कि टेस्ट कैसा करेगा. बहुत weird combination है मेरे लिए. Oh my god. You can't stop at one bite. It's so good. सबसे पहले आई विल मैंशन अबाउट दीज चटनीज. द चटनीज आर सो गुड, सो नाइस. एक मीठे खजूर की चटनी है विच इज़ सुपर फ्लेवरफुल. दूसरी पुदीने की चटनी. ये जो पैटिस है बाहर से काफ़ी क्रिस्पी है. आलू कम्प्लीटली मैश्ड, एकदम सॉफ्ट आलू. उसके अंदर थोड़े से स्पाइसिस, आई थिंक ब्लैक पेपरकॉर्न्स भी डाले हुए हैं, हल्का सा हिंग एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटेड कोकोनट. कोकोनट का जो स्वाद है काफ़ी सटल है. सबसे ज़्यादा आपको जो ड्राई कोकोनट होता है उसका ही स्वाद आएगा. एब्सोल्युटली लव दिस वन. आई थिंक मैं एक और खाने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी स्वादिष्ट है. विजय चाट हाउस में आपको और भी बहुत सारे स्नैक आइटम्स मिल जाते हैं जैसे साबूदाना वड़ा हो गया, समोसा हो गया. दे आर फेमस फॉर इट्स स्पाइसी समोसा ऑल्सो. बट वन थिंग दैट यू गेट ओवर हियर विच द ओनर वॉज रेकमेंडिंग आई शुड ट्राई इज ग्रीन बाटला कचौरी. ये देखिए, ग्रीन बाटला मीन्स ग्रीन पीस. तो ये कचौरी के अंदर डाले हुए हैं ग्रीन पीस और थोड़ा आलू होगा मेरे को लग रहा है. चटनी डाली है, दही. ओहो हो, ये देखिए, ये बोला हाथ से ही खाने के लिए. बट मुझे देखिए यहाँ पे ग्रीन पीस दिख रहा है थोड़ा थोड़ा. ओके, देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रीन पीस. जीरा दिख रहा है. टेस्ट करके देखते हैं. इट्स अ वेरी डिफरेंट कचौरी आई ट्राइड बट सो गुड. चटनीज तो उनकी सेम ही है. दही एकदम थोड़ी डाली है, उसका थोड़ा मिठास आ रहा है. बट अंदर जो ग्रीन पीस डाले हुए हैं दे आर वेरी नाइसली स्पाइस्ड. थोड़ा धनिया पाउडर डाला हुआ है मेरे को लग रहा है, जीरा, ब्लैक पेपर. ओवरऑल ये एकदम मसालेदार है और चटनीज के वजह से एक अच्छा फ्लेवर भी आ रहा है. इसमें कोरिएंडर सीड्स बहुत सारे डाले हुए हैं. बहुत बढ़िया. ये जो हम नेक्स्ट प्लेस पर आए हैं वो है जॉनी हॉट डॉग. इंदौर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स है ये. हॉट डॉग बोल के आपको क्या याद आता है, वही अमेरिकन हॉट डॉग, राइट. बट
इट्स नॉट दैट, इट लुक्स मोर लाइक अ बर्गर. सो यहाँ पे आपको मिल जाता है एग बेंजो, मटन हॉट डॉग एंड वेज हॉट डॉग. बट एग बेंजो सुन के मैं इतनी एक्साइट हो गई कि क्या हो सकता है ये. सो आई हैव टेकन वन एग बेंजो फॉर माई सेल्फ. लुक एट दिस, ये बस एक बन है जिसको ढेर सारे बटर में इन्होंने तवे पर ग्रिल किया. उसके बीच में है ये ऑमलेट, मसाला ऑमलेट लग रहा है, सम अनियन और दो तरीके की चटनी. अनियन ढेर सारा डाला हुआ है बाय द वे. ऑमलेट के अंदर भी मुझे ढेर सारा धनिया, रेड चिली पाउडर. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. सो सिंपल येट सो डिलिशियस. आई हैव टू से बटर का क्या स्वाद आ रहा है, इतना सारा बटर डाला हुआ है. ऑमलेट जो है उसमें आई रेड के दे यूज दोस फार्म एग्स जिनका स्वाद ऐसे काफ़ी अच्छा आता है, जिसका योग भी बहुत यम्मी होता है. एग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. अंदर डाला हुआ है धनिया, अनियन, रेड चिली पाउडर एंड दैट्स इट. ये अनियंस की वजह से एक बहुत ही क्रंची और अच्छा टेक्सचर आ रहा है. द चटनीज आर नाइस, चटनीज पूरे बन में लगाई गई हैं. ओवरऑल इट्स सुपर नाइस. आई थिंक इसका जो सबसे हाईलाइट है वो ऑमलेट चटनी, ये सब तो है ही, बट हाउ फ्रेश एंड गुड क्वालिटी बन इट इज़. गाइज एक स्मॉल करेक्शन, दे डोंट यूज बटर. मुझे ऐसा लग रहा था दे एक्चुअली यूज देसी घी, इसीलिए उसका इतना प्रोमिनेंट फ्लेवर आ रहा था. नाउ आई हैव टेकन अ वेज हॉट डॉग. लुक एट दिस, ये एक्चुअली एक बन टिक्की टाइप लग रहा है, राइट. ये बन है और इसके अंदर डाली हुई है आलू टिक्की और साथ हैं दो चटनीज. वैसे ऐसे प्लेट में देते नहीं है. द ओनर वॉज वेरी स्वीट, ही सॉ दैट वी आर शूटिंग, इसीलिए उन्होंने हमको ऐसे प्लेट में दे दिया. वन इज एक्चुअली केचअप एंड वन इज चटनी, कोरिएंडर चटनी. वाओ, दिस इज़ फॉर 30 रुपीज़. एकदम सिंपल आलू टिक्की है, मैश्ड आलू, लॉट्स ऑफ रेड चिली पाउडर, बट इतना भी ऐसा स्पाइसी नहीं है, एंड लॉट्स ऑफ कोरिएंडर. द टिक्की इज सुपर क्रिस्पी, चटनीज आर नाइस. आई एब्सोल्युटली लव बोथ द एग बेंजो एंड द वेज हॉट डॉग फॉर हाउ सिंपल एंड यम्मी इट इज. Yummy delicacies. It's now time to have something sweet. So I have now come to Madhuram. ये भी एक बहुत ही popular joint है छप्पन दुकान पे. यहाँ पे आपको मिल जाती है चाट, ढाबेली, ढेर सारी मिठाइयाँ. And one thing that I wanted to try over here, actually two things. One is शाही रसमलाई and another is शाही शिकंजी. ये देखिए, ये color आप देखेंगे ये camera capture नहीं कर पा रही है. It's pure white. ये बनाई जाती है गिरगई के दूध से और जो गन्ना होता है उसके रस से. और ये देते हैं ऐसे कुल्हड़ टाइप एक कटोरी में. बहुत अच्छी है. इसमें मुझे रबरी टाइप एक इतना स्वाद आ रहा है, बहुत सही है. इसमें हल्का सा केसर भी डाला हुआ है, एकदम हल्का सा. ओ वाओ, इसमें एकदम टॉप क्वालिटी का दूध डाला हुआ है, बिकॉज आई कैन टेल यू दिस बाय टेस्टिंग इट. एक्चुअली ये स्वीट काफ़ी कम है, दैट्स वन थिंग आई एब्सोल्युटली लव. काफ़ी बढ़िया है. हल्का सा इसमें इलायची भी डाला हुआ है. लव दिस वन. द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर ट्राइंग इज शाही शिकंजी. इट्स एक्चुअली माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग अ शिकंजी. नो, या इट्स फर्स्ट टाइम ट्राइंग अ शिकंजी. ओके, ऐसा लग रहा है कि दूध और लस्सी को मिक्स कर दिया गया है विथ लॉट्स ऑफ स्पाइसेस. इलायची और पिस्ता का भी बहुत ज़्यादा स्वाद आ रहा है. सो बेसिकली इसको कहते हैं इंदौर की शाही शिकंजी. काफ़ी अच्छी है, बट फॉर माई टेस्ट पैलेट आई फाइंड इट अ लिटिल टू स्वीट. बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहा है मेरे को ये, बट अच्छा है ट्राई करने के लिए. आई थिंक सबसे पहला ऐसा होता है कि हम कोई दूध की बेवरेज पी रहे हैं और अचानक से लस्सी का टेस्ट हिट करता है. ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए हैं जैसे किशमिश और बादाम. शॉप नंबर 17 के इधर आ जाता है आकाश नमकीन. उसके ही नीचे एक स्टोर है कॉल्ड चकाचक, वहाँ से हमने ले लिया है कॉर्न चाट. तो इंदौर के स्ट्रीट्स पे आपको कॉर्न चाट भी बहुत देखने को मिलेगा. इट्स बेसिकली स्वीट कॉर्न जो तवे पर बनाते हैं विद सम कोरिएंडर, अनियन, कैप्सिकम, टमेटो, ऊपर से डालते हैं लेमन एंड सम स्पाइसेस. ओके, तो इसमें अनियन और कैप्सिकम को हम कैसे कैरमलाइज करते हैं, काफ़ी देर उसको कुक करते हैं,
उसका एक मीठा स्वाद आता है, वैसा आ रहा है. देन स्वीट कॉर्न इज स्वीट ऑलरेडी. ओके, आई फाइंड इट ओके. आई थिंक कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं. मुझे ठीक लगा. मुझे ऐसे स्वीट कॉर्न और अनियन का टेस्ट साथ में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट ग्लैड आई ट्राइड इट. मोमोज फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड सैम्स मोमोज एंड रोल्स. बाय द वे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसी थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, जैसे दही बड़ा हो गया, पराठे, ये सब हो गए, क्योंकि वो मैंने आपको सराफा बाजार वाले वीडियो में दिखाई थी. सो हियर आई एम ट्राइंग टू डू सम डिफरेंट डिशेज एंड दिस इज़ द लास्ट डिश दैट वी आर हैविंग, चिकन स्टीम मोमोज. यहाँ पे बहुत भीड़ थी, मेनी पीपल वर हैविंग रोल्स एंड मोमोज हियर. लुक एट दिस. यहाँ पे आपको फ्राइड तंदूरी और स्टीम मोमोज मिल जाते हैं, 6 pieces इन 1 plate, और उसके साथ आपको यहाँ पे चटनी और मेयोनीज मिल जाती है. बहुत ही गर्मा गर्म ये मोमोज हैं. ये तो के लिया. इनकी चटनी बहुत स्ट्रॉन्ग इन फ्लेवर है. चटनी में चिलीज और गार्लिक का बहुत ज़्यादा स्वाद है. मोमोज थोड़े ज़्यादा ही ऑयली हैं, बट टेस्ट वाइज बहुत अच्छे हैं. अंदर बस डाला हुआ है चिकन एंड स्प्रिंग अनियन, दैट्स इट. इसकी जो लेयर है वो इतनी भी पतली नहीं है, तो हल्का सा ऐसा मैदे का भी स्वाद आ रहा है. ओके, ओवरऑल बहुत डिसेंट मोमोज हैं. नॉट बैड, यू कैन गिव इट अ ट्राई. वैसे बेस्ट भी नहीं है. ओके गाइज, सो दिस इज इट फॉर 56 दुकान स्ट्रीट फूड. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन इफ यू डिड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर फूड रिलेटेड वीडियोज. टुडेज कॉमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल दीज लवली पीपल. थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कॉमेंट. अगर आपको चाहिए कॉमेंट शाउट आउट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लीव अ कॉमेंट बिलो. मेक श्योर दैट यू वॉच द ब्लूपर्स इन द एंड एंड ऑल्सो वेट फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ इंडोर फूड सीरीज. उसमें हम ढेर सारा स्ट्रीट फूड खाने वाले हैं. So make sure that you hit the bell so you don't miss it. That's it for this video. I'm gonna see you next time. Till then, khao piyo khush raho. Bye. Ye Indo. फिर से. And Vijay Chaat House is a legendary outlet. At this legend, Indore Chaat. Vijay Chaat House is a legendary outlet. Vijay Chaat House is a legendary outlet. Was recommending I should try is green Batlas. Is a mic test, sound check. Ready?